जनपद संभल के चंदोसी में हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचारक ने वर्षों पुराने मंदिर के जमीन बेचने वालों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के केतल गेट का है, जहां पर काफी पुराना मंदिर था जिसे कुछ लोगों ने तोड़कर मंदिर को दूसरी जगह बनवाना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर को हुई तो वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचारक ने मंदिर तोड़ने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक तहरीर कोतवाली प्रभारी को दी है। ये सन 1900 में मंगल सेन देवी शरण टिवाई वालों की धर्मशाला थी और ये लगभग 150 वर्ष पुराना यहाँ मंदिर है, जिसमें हम लोगों के बुजुर्ग भी पूजा करते थे और हमने भी स्वयं करी है। और यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग था बहुत बड़ा, और दुर्गे जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। लेकिन भू माफियाओं ने इस पर निगाह गड़ाई इस जगह पर, और उन्होंने इस जगह को समतल कराने के लिए इस मंदिर को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और रात ही रात में इस मूर्तियाँ यहाँ तोड़ दी गई मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम मजदूरों द्वारा मूर्तियाँ यहाँ सब तोड़वा दी गई। और इस बात की सूचना मुझे सुबह लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने दी, भाई साहब ऐसे ऐसे मंदिर वहाँ पुराना टूट रहा है। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आकर देखा तो वास्तव में ये टूटा हुआ था और मंदिर यहाँ तोड़ रहे थे, तब वो सब लोग नीचे उतरे और यहाँ पर जो है मैंने प्रशासन को अवगत कराया, क्योंकि धर्म स्थल विधेयक कानून के तहत कोई भी धर्म स्थल का निर्माण ना तो हो सकता है, ना ही जीर्णोद्धार हो सकता है और ना ही वो टूट सकता है, जब तक माननीय जिलाधिकारी महोदय उसकी अनुमति ना दे दें। तो इन्होंने किसी बात की अनुमति नहीं दी, लेकिन हिंदू समाज के ऐसा कुठाराघात इन लोगों ने करा, रात ही रात में चोरों की भांति, डकैतों की भांति इन्होंने मंदिरों को हमारे जीड़ जीड़ नष्ट कर दिया। बिल्कुल मूर्तियां, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, वो तोड़ दी गई कुल्हाड़ी से, गेंदारे से और उससे। और ये हमारी आस्था का प्रश्न है, पूरे हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है। और इस प्रकार के जो भू माफिया जो लगे हुए हैं, हमने प्रशासन से मांग करी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और भी जो मंदिर हमारे पुराने बचे हुए हैं उन लोगों पर भू माफियाओं की निगाह ना पड़े और कोई किसी प्रकार का उन्हें अनिष्ट नहीं हो उस मंदिरों का। और हमने हिंदू मंच इसके अपनी ये मांग करी है और हम जो तहरीर देने जा रहे हैं कोतवाली में। ये भू माफिया एक सोनल बार्सने हैं, जो लाला सत्यदेव की इनके धर्मशाला थी और उनकी पोती, उनके पिताजी ख़त्म हो चुके और सोनल बार्सने, पारुल बार्सने लड़कियां हैं जो अलीगढ़ इस समय उनकी शादी हुई है। तो सोनल बार्सने और उसके पति जो हैं, उन दोनों ने उनकी देख रेख में और उनके आदेश अनुसार इन मुसलमानों ने इन्होंने जो तोड़ी थी मजदूरों द्वारा। हाँ जी, इस ज़मीन का हो सकता है इन लोगों ने सौदा कर दिया हो, 3.5-3.5 करोड़ की जो सुनाई जो आ रही है कि 3-3.5 करोड़ में ये जगह बेच दी है, तो जिसने भू माफिया ने ली होगी या जो भू माफिया को करवा रहे होंगे तो उन्होंने मंदिर हटवाने की बात करा होगा। और अभी इस पे पीछे विशाल पीपल का पेड़ है, वो भी कटने की तैयारी में है। तो हमने प्रशासन से मांग करी है कि ऐसा कोई कार्य ना हो जो शांति व्यवस्था को। मैं पीछे जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है वो क्या? ये बता रहे हैं कि हम एक मंदिर और बनवा रहे हैं, मतलब मंदिर तोड़ रहे हैं और बनवा रहे हैं। ये कहाँ का हास्यपद बात हो गई, ये तो किसी की हत्या करके अगर तुम दूसरी जगह स्थापित कर दो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो ये तो बिल्कुल हास्यपद बात हो गई कि तुम मंदिर बनवा लो किसी के, ऐसे कोई नहीं, ये मंदिर की कोई ऐसी मान्यता नहीं है, मंदिर की भी इसकी भी इजाज़त नहीं ली। दे रहे हैं वो किसके नाम से दे रहे हैं, किन लोगों के नाम से? नहीं, हम इन लोगों के, भू माफियाओं के, इनके जो जिनकी जगह है उनके नामों से देंगे और जो जिन लोगों ने तोड़ा है उनके अज्ञात पे उसमें लिखवाएंगे ना।